मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने लाल कुआं के दुग्ध संघ प्लांट का औचक निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारी ने दूध गुणवत्ता की जांच करने वाले मिल्क एनालाइजर मशीन की भी बारीकी से जांच की। नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने यूसीडीएफ के प्रशासक मुकेश बोरा और जीएम निर्भय नारायण सिंह की मौजूदगी में दुग्ध संघ आंचल प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी पांडे ने 85 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही मिल्क एनालाइजर मशीन की बारीकी से जांच कर परखा और उसकी कार्य प्रणाली को समझा। साथ ही चिलिंग प्लांट, लैब सहित अन्य प्लांट का भी निरीक्षण किया। खासकर एक FT1 मशीन इन्होंने क्रय की है, विदेश से आयातित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आम जनता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का दूध टेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाए, और ये मशीन 14 टेस्ट कंप्लीट करती है, उसी का आज निरीक्षण था मुख्य रूप से। द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और क्वालिटी के आधारित इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जा रहा है और आम जनता के उपयोग के लिए भेजा जा रहा है। इनके द्वारा कुछ अपनी समस्याएं भी बताई गई, जैसे कैपेसिटी कम होने की वजह से ये अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो शासन से जो पैसा प्राप्त हुआ उसके द्वारा कैपेसिटीज की बढ़ाई जाएगी, 1 लाख लीटर से बढ़ाकर 1.5 लाख लीटर किया जाए। आज का दिन मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड डेयरी कोऑपरेटिव के लिए एक विशेष दिन है, और समय समय पर जो हम आधुनिकीकरण की बात करते थे दुख संघ की, तो आज उसकी प्रथम किस्त के रूप में आज शासन ने हमको धनराशि अवमुक्त कर दी है। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया। मैं उसके लिए सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ अगुणे जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो लंबे समय से हमारा प्रयास था वो आज नैनीताल दुग्ध संघ ही नहीं पूरे उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन और प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है कि आज हमको 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। दुग्ध संघ के विस्तार के बारे में भी, कैपेसिटी विस्तार के बारे में भी सीडीओ सर से चर्चा हुई, तो उससे संतुष्ट लगे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि उत्पादकों के हित में जितना संभव हो सकता है हम प्रयास करेंगे और दुग्ध संघ को मदद दिलाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।